दोस्तों, ये है नाकोड़ा जी का खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र। इस पर्वत के पर्वत ने चारों ओर से नाकोड़ा जी को खूबसूरती प्रदान कर रखी है। और इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये है यहाँ की बहुत ही शानदार भोजनशाला। इस भोजनशाला में बहुत सारे यात्री, जितने भी यात्री यहाँ पर आते हैं, भोजन करते हैं और इतना लजीज स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर परोसा जाता है, खिलाया जाता है सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों के द्वारा, कि उनको यहाँ पर आकर के आनंद हो जाता है। और आपको दिखाते हैं एक अंदर का दृश्य कि अंदर कैसा लगता है। देखिए यहाँ के एक अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं, केवल अंदर का दृश्य देखिए आप यहाँ, ये खूबसूरती यहाँ की दिखाई दे रही है आपको। देखिए जैन धर्मशाला दोस्तों, यहाँ पर जूते अलाउड नहीं होते, यहाँ पर नंगे पैर ही अंदर जा सकते हैं। और दिखाएंगे आपको आगे भी यहाँ की खूबसूरती, और बाहर से कितना सुंदर लगता है आप देखना चाहेंगे। ये देखिए, ये बाहर की खूबसूरती, अद्भुत अद्भुत सुंदरता नाकोड़ा रिद्धि सिद्धि भोजनशाला, कितनी खूबसूरती यहाँ पर आप देखिए। हजारों की तादाद में धर्मावलंबी श्रद्धालु लोग यहाँ पर रोज आते हैं, रोज पधारते हैं, रोज दर्शन करने आते हैं और अपने भावों को पवित्र करके, अपने जीवन में शुद्धिकरण करके, अपने जीवन के निर्माण करके, अपने लिए कुछ प्रार्थनाएं करके, अपने लिए परिवार के लिए खुशियों को समेट करके यहाँ से वापस जाते हैं। और दोस्तों, एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो बार बार आता है, बार बार आता है, वो नाकोड़ा आने का मौका ढूंढता है। वो चाहता है कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ नाकोड़ा ही जाऊँ, अपने परिवार के सदस्यों को नाकोड़ा लेकर के जाऊँ। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत अतिशय क्षेत्र है, चमत्कार होते हैं। आप देखना चाहते हैं लाइव तो आप आइए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और ज़रूर आए अपने परिवार के साथ, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए देखिए कितना सुंदर था, देख रहे हैं आप चारों तरफ से सुंदरता। यहाँ पर आपको कूपन प्राप्त होते हैं भोजन के, हर चीज व्यवस्थित तरीके से, चप्पे चप्पे पर आपको व्यवस्था दिखेगी, यहाँ पर एक भी अव्यवस्था आप यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ पर क्यों नहीं है। देखिए मंदिर के अंदर आरती की बोलियां लग रही हैं, आरती की तैयारियां चल रही हैं, भीड़ लग चुकी है। 5:45 तक यहाँ पर भोजन के कूपन्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद कूपन वितरित नहीं किए जाते, बस जितने लोगों ने कूपन ले लिए वो खाना खा करके बाहर आते हैं, भोजनशाला बंद कर दी जाती है। क्योंकि जैनी अतिशय सिद्ध क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में रात्रि भोजन निषेध होता है, और जैनियों की खूबसूरती एक सादगी है कि जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं। देखिए कितनी सुंदर रंगोली यहाँ पर रोज सजाई जाती है, रोज ये रोज आना का है यहाँ पर। देखिए कितने दीपकों से यहाँ पर अभी तो सजाई जा रही है, देखिए दीपक लगाए जा रहे हैं, इतना गजब का श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। ये रंगोली केवल महज 1 घंटे में बनके तैयार हुई है अभी, और जिन परिवार के द्वारा बनाई जाती है उस परिवार का नाम यहाँ पर लिखा जाता है, रंग बिरंगे सोने। देखिए परिवार जयपुर से आए हुए, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगा इनको यहाँ पर आने के बाद आज। यस, तो आप कहाँ से आए हैं आप बताएंगे जरा। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के? बहुत मजा आ गया, ऐसी जगह कभी देखी नहीं। कैसी है वहाँ, यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? मतलब तारीफ से काफी, बुराई करने लायक तो बात ही नहीं है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में खास बात? कैसा लगा जैसे आप कब आए थे यहाँ पर, कितने बजे आज यहाँ पर आए आप? आपके साथ और कौन कौन आए? आप बात करिए आपके और परिवार के मेंबर्स के साथ, जरा
यस। तो आप अपना परिचय दीजिए सर जरा, कैसा लगा आपको यहाँ पर आने के बाद आज? हाँ बोलो ना। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आने के बाद, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज पूरा परिवार मेरे साथ आया है और काफी दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम नाकोड़ा में जाएं और वहाँ पर दर्शन करें बाबा के, तो आज बड़ी खुशी हुई मुझे। धन्यवाद धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बहुत ही अच्छा लगा नाकोड़ा जी आकर, पहले भी हम लोग एक बार यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आके सबसे अच्छी चीज ये लगी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का इसे मेंटेन करने का तरीका, मंदिर को मेंटेन करने का तरीका और लोगों को किस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, और बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं और बहुत खुशी खुशी एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बहुत, ये बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंदिरों में इसी तरह का व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। हाँ तो बेटा आप नाकोड़ा जी आज आए हो, कैसा लगा आपको आप बताइए? बहुत अच्छा लगा, काफी नया एक्सपीरियंस था, इतना दिवाली के टाइम पर एक मंदिर को देखा, इतना सजा हुआ, इतना सुंदर नया मंदिर था, बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ की पांच विशेषताएं बताओ आप, कि यहाँ पर पांच विशेषताएं क्या क्या अच्छी लगी, जो तुम कहना चाहोगे कि यहाँ पर ये चीज अच्छी लगी? काफी सुंदर है, हर चीज काफी मेंटेन्ड है, खाना वाना सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मूर्तियां इतने अच्छे से, पूरी स्कल्पचर वगैरह फिनिशिंग इतनी अच्छी है मूर्तियों में, सब लोग काफी घुला-मुला सा माहौल है, काफी अच्छा लग रहा है। अब बाकी ये आपके साथ आई है, ये आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? जय जिनेन। जय जिनेन बेटा, क्या कहना चाहेंगे आप? आप यहाँ पर क्या फर्स्ट टाइम आए? हाँ मैं नाकोड़ा जी फर्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को लगा कि भाई क्या मतलब हर चीज एक परफेक्ट जगह पे, मतलब कुछ इधर से उधर हो जाए तो फिर वो सी चीज रहती है, और बहुत मेंटेन्ड है, क्लीनिनेस बहुत अच्छी है, और मतलब एक बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर मूर्तियां इतनी लाइक क्लीन है, साफ है। और कितने लोग आपको मिले यहाँ पर, कितने लोग आए हुए हैं आज यहाँ? मेरे को नहीं पता, अंदाजन कितने लोग मानते हो? अंदाजन बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह जब मैं आई थी हाँ, तब यहाँ पे चुन्नियों से भरा हुआ था। अच्छा, पर अभी चुन्नी बची अच्छा, नहीं। यहाँ पर चुन्नी ओढ़ करके अंदर जाना पड़ता है। यस, तो इधर का एक रूल है कि चाहे फीमेल हो या फिर मतलब फीमेल चाइल्ड हो, ओके है ना, तो दे हैव टू वेयर मतलब चुन्नी सर ढकने के लिए। ओके, तो सब सुबह हमने चुन्नी पहनी थी, और यहाँ पे नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के और भैरू बाबा के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं, मतलब भैरू बाबा से आप कोई विश मांगो तो वो पक्का पूरी होती है, मतलब भैरू बाबा करते हैं विश, तो मैंने भी विश मांगी थी, वैसे विश तो बताते नहीं है, बट लिटरली बहुत प्यारा मंदिर है, और बाकी सब मेंटेनेंस, बैलेंस, क्लीनिनेस, और इतनी सुंदर झांकियां लगाई भी जाती है, तो बहुत प्यारी है, लाइक पीछे भी बहुत अच्छे, और क्या ही बताएं, तो खाना वाना सब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लिख रखा है ये जो भी है, और यहाँ पे बहुत प्यारी रंगोली बना रखी है, और बाकी अभी कैंडल्स लगाना बाकी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे बेटा? हाँ, यहाँ की सीनरी बहुत प्यारी है, एज यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स और वी कैन से टाइप ऑफ प्लेटूस, बट आई स्टिल लाइक द सीनरी। व्हेन आई वाज कमिंग इन नाकोड़ा जी, आई वाज सरप्राइज्ड
to see the scenery, how beautiful it was. And today also when I just wake up and I see I was very feeling refreshed. It is very good place. You must come here and enjoy. You must come here. It's my suggestion for you. Oh, my heart. My heart came out. Now, today I am... Thank you, beta. आप अपने दिल की गहराइयों से लोगों को बुलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर दर्शन कीजिए और अपनी विशेष पूरी कीजिए. थैंक यू बेटा, आपका नाम बता दीजिए. थैंक यू बेटा. थैंक यू. तो दोस्तों ये थे दर्शन नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी के, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर महीने यहाँ पर दर्शन लाभ लेते हैं और अपने जीवन को सुखों से खुशियों से भर देते हैं, अपने परिवार में खुशियों का संचार लाते हैं. ऐसे हैं नाकोड़ा पार्श्वनाथ. आप सभी आएं और यहाँ पर दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं. और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहेंगी. अच्छे से अच्छे दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे. सभी तीर्थ क्षेत्र, अतिथि क्षेत्र जिनके कारण लोग अपने भविष्य का, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं. थैंक यू सो मच. जय जिनेंद्र.